प्यारे बच्चों, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन विषय भूगोल, कल आप लोग का भूगोल का विषय का परीक्षा है और इसके लिए मैं महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट करा दिया हूं। यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिए और भूगोल के बच्चों को यह वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। हम लोगों ने जैक द्वारा पूछे गए 2017 के प्रश्नों को भी देख लिया है जो आपके इम्पॉर्टेंट है। ये 2016 से पूछे गए प्रश्न हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। ज्योग्राफी जेनेरालिस के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर आप देख सकते हैं यहाँ, बर्नार्ड वेरेनियस है। फिर आपका निम्न में कौन से विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो बर्सेंट रसल नहीं है। फिर है विश्व में कौन सा देश सर्वाधिक जनसंख्या वाला है? तो यहाँ है चीन। किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो जावा में। विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो चिली। क्यूबा की रानी किसे कहा जाता है? तो गन्ना को। स्वेज नहर जोड़ती है तो किसको? भूमध्य सागर और लाल सागर को। भारत रेल को कितने प्रदेशों में विभक्त किया गया है? तो 16 प्रदेश में। भारत में कौन सा राज्य चावल उत्पादन में सबसे अग्रणी है? तो पश्चिम बंगाल। भारत में कौन सी नदी सर्वाधिक प्रदूषित है? तो गोदावरी। अब आपका यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू होता है। संभावनावाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान के द्वारा किया गया था? तो संभावनावाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फेबरे विद्वान ने किया था। जनसंख्या वितरण के उत्तरदायी भौगोलिक कारकों के नाम लिखे। तो जनसंख्या वितरण के उत्तरदायी भौगोलिक कारकों के नाम निम्न प्रकार है, स्थानाकृति और जलवायु। पिग्मी जनजाति किस देश में रहती है? तो न्यूजीलैंड में। धान और गेहूं फसल में कौन रबी और कौन खरीफ से संबंधित है? तो धान है सो खरीफ फसल है और गेहूं रबी फसल है। लिंगानुपात क्या है? तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात के नाम से जाना जाता है। निर्वाह मूलक कृषि से आप क्या समझते हैं? तो जीवन का जिस कृषि से केवल निर्वाह हो जाए या मात्र जीवन का भरण पोषण हो जाए उसे निर्वाह कृषि कहते हैं, या पिछड़े क्षेत्रों में या मानसूनी क्षेत्रों में होती है। बॉक्साइड के मुख्य उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग है, बॉक्साइट का उपयोग एल्युमिनियम बनाने में कच्चे माल के रूप में होता है। यह एक हल्की धातु है जिसका उपयोग वायुवान बर्तन तथा अन्य निर्माण कार्यों में प्रमुखता से होता है। भारत में दो जनगणना के बीच कितने वर्षों का अंतराल होता है? तो 10 वर्षों का अंतराल होता है। ग्रामीण बस्ती से आप क्या समझते? तो ग्रामीण बस्ती अधिक निकटता से तथा प्रत्यक्ष रूप से भूमि से निकट संबंधित संबंध रखती है। यहाँ के निवासी अधिकतर प्राथमिक गतिविधियों में संलग्न या गतिविधियों में लगे होते हैं या संलग्न रहते हैं। इंटरनेट क्या है समझाएं? तो सूचनाओं के संग्रहण और प्रसारण में दूरसंचार कंप्यूटर तथा टेलीविजन के एकीकृत प्रयोग को इंटरनेट के नाम से जाना जाता है। इसके प्रयोग से पूरी दुनिया में लोग जुड़ गए हैं तथा जानकारियों का आदान प्रदान सुलभ हो गया है। फिर अगला है, विश्व में मानव के प्रमुख क्रियाकलापों का वर्णन करें। तो मानव क्रियाकलाप या व्यावसायिक संरचना के चार प्रमुख वर्ग निम्नलिखित है। प्राथमिक, जिसमें कृषि वानिकी आखेट मत्स्य पालन आता है। द्वितीयक में आपका विनिर्माण उद्योग तथा शक्ति के स्रोत आते हैं। तृतीयक में परिवहन संचार अन्य सेवाएँ आते हैं। और चतुर्थक में बौद्धितापूर्ण कार्य जैसे शोध और अनुसंधान इत्यादि आते हैं। चाय उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। तो चाय उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं निम्नलिखित है। यह एक सदाबहार बागवती फसल है। इसके लिए गर्म तथा आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके लिए अधिक उपजाऊ जमीन की आवश्यकता होती है। मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए नाइट्रोजनी खादों की आवश्यकता होती है। तापमान आपका 25 से 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए। वर्षा 125 से 750 सेंटीमीटर चाहिए। फिर आप परंपरागत ऊर्जा स्रोत की विवेचना करें। तो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत जैसे कोयला, गैस, पेट्रोलियम और बिजली है। परंपरागत स्रोत सामान्य संसाधन है।
या वाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोत हैं जो विविध कार्यों में उपयोगी होते हैं। जैसे कृषि में मशीनीकरण में वृद्धि के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऊर्जा के परंपरागत स्रोत का उपयोग होता है। इन स्रोतों से प्रदूषण होता है। नगरीकरण एवं मलिन बस्ती के बीच संबंधों की व्याख्या करें तो रोजगार की तलाश में नगरों में ग्रामीण आकर बसने लगते हैं, फलस्वरूप नगरों की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ने लगती है। गाँवों में नगरों में जनसंख्या प्रवास होने के कारण नगरों में अनाधिकृत तथा मलिन बस्तियों का विकास होने लगता है। विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में इन बस्तियों का विकास अधिक हुआ है। एशिया की लगभग 60% नगरीय जनसंख्या झुंगी झोपड़ी में रहती है। ये लोग निम्न आय वर्ग के होने के कारण भूमि खरीदने में असमर्थ होते हैं, अतः सार्वजनिक खाली भूमि पर अनाधिकृत आवास बनाकर रहने लगते हैं। इनके जमाव से पारिस्थितिक तत्व बिगड़ता है, फलस्वरूप सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती है। इन बस्तियों की स्थिति गैरकानूनी होने के कारण इसमें आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है। इनमें बिजली एवं जलापूर्ति की समस्या होती है। नालियों, सड़कों एवं स्वास्थ्य केंद्रों का अभाव होता है। विद्यालय के अभाव से अशिक्षा बढ़ती है। तो ये थे कुछ आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। बाय बाय।